चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में मॉनसून की वजह से कई जगह भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है, पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें। लेकिन इसी तरह आने वाले अगर हम बात करें हफ्ता, तो काफी मौसम जो है वो इसी तरह बना रहने वाला है, सुहावना मौसम बना रहने वाला है। बीच बीच में बारिश जो है वो होगी, लेकिन कई जगह जहां पर मौसम विभाग ने बताया, हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं AK सिंह जी। सर, जिस क्योंकि मौसम मानसून की वजह से लगातार जो जिस तरह से मौसम बना हुआ है, आने वाले की अगर हम बात करें हफ्ते की, तो किस तरह से रहने वाला चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की? देखिये, जहां तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात है, तो मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और अभी जो सिचुएशन आपको बन रहे हैं, अगले 7 दिनों तक इसी तरीके से गीला मौसम आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। सारे पार्ट्स में इसी तरीके से गीला मौसम ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको रुक रुक कर आपको मानसून की बारिश जो है डिसकंटिन्यूअस रूप में आपको होती ही रहेगी। लेकिन कुछ एक पार्ट्स में, जैसे पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में, अगले 2 दिनों के लिए हमने हेवी टू वेरी हेवी को लेकर के आपको ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, और मतलब कि आज और कल ऑरेंज अलर्ट है, और परसों हेवी को लेकर हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। उसी तरीके से हरियाणा के साउदर्न पार्ट में हेवी रेनफॉल को लेकर आज और कल हमने ये दिया हुआ है, येलो अलर्ट दिया हुआ है, येलो अलर्ट दिया है, और नेक्स्ट 3 दिन कोई अलर्ट नहीं है। तो एज सच मानसून की तो बारिश होती रहेगी, कंटिन्यूअस बारिश होती रहेगा, कोई भी पार्ट अछूता नहीं रहेगा, लेकिन रुक रुक कर आपको बारिश होती रहेगी। लेकिन आज के 2 दिन आपको पंजाब में आइसोलेटेड पार्ट में ऑरेंज अलर्ट है, और 3रे दिन येलो अलर्ट है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में रुक रुक कर आपको बारिश होती रहेगी, लेकिन आज और कल 2 दिनों के लिए आपको साउदर्न पार्ट में, खासकर साउदर्न पार्ट में येलो अलर्ट है। सर, जैसे आपने बताया कि पंजाब में हैवी टू हैवी रेन बर्स, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं नॉर्थर्न ईस्ट के जहां पर ये इस तरह का जो है वो ऑरेंज अलर्ट? ये आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे पठानकोट हो गए, अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, ये सब आपको ज्यादा सेंसिटिव हैवी टू वेरी हैवी के लिए। ठीक है, तो उसको लेकर एडवाइजरी वगैरह या अलर्ट वगैरह जारी किया गया? हाँ हाँ, इसको जारी किया गया है, और ये हम कंटिन्यूअस हर एक 6-6 घंटे पर अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बोल रहा है। जैसे जैसे आपको सिस्टम मूव करता है, किस तरीके से इसका डायरेक्शन होता है, क्या होता है, हम हर एक 6 घंटे पर इसको अपडेट करते रहेंगे। सर, अगर हम बात करें चंडीगढ़ या पंजाब, इस हरियाणा की साइड की या ट्राई सिटी की पार्ट की, तो किस तरह से कुछ हैवी रेन की जो अभी तक आशंका? देखिये, एज सच अभी तक तो यहाँ पर हैवी रेन की आशंका आपको नहीं दिख रही है अभी तक, तो मतलब की वेदर, क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में ही आपको हैवी रेन की आशंका दिख रही है, वो भी आज और कल। लेकिन मानसून की आपको बारिश होती रहेगी। हाँ, मानसून की आपको बारिश होती रहेगी। मान लीजिए कोई अनटॉवर्ड सिस्टम डेवलप होता है तो हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक जैसा सिस्टम बना हुआ है अभी यहाँ पर हेवी रेन की संभावना नहीं है, लेकिन मानसून की बारिश चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हालांकि फ्लड की सिचुएशन थी, हालात काफी खराब थे, लगातार आपने भी एडवाइजरी जारी की थी, इस बार कुछ ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि जो गगन नदी पटियाला की राह, जो पहाड़ों में बारिश हो रही थी, पिछली बार काफी देखा कि कितना से नुकसान हुआ, इस बार कुछ इस तरह का कुछ अभी तक? देखिए, जहां तक हेवी रेनफॉल को लेकर, वेरी हेवी रेन को लेकर, हम लोगों ने तो ऑलरेडी अलर्ट आपको जारी कर दिया है। खासकर मतलब कि जब भी आपको हेवी रेनफॉल और वेरी हेवी रेनफॉल जो होता है, तो इन सब सीजन में आपको सबसे ज्यादा आपको जो संभावना रहती है वाटर लॉगिंग की, तो हमने क्लियर कट आपको ये कर दिया है कि वाटर लॉगिंग से बचने की कोशिश करें। और इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस आता है, आपको जैसे रेल यातायात डिस्टर्ब होते हैं, या फिर सड़क यातायात भी डिस्टर्ब होता है, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। और खासकर हम लोगों ने ये अलर्ट जारी किया है कि अभी जैसे सिचुएशंस प्रिवेल कर रहे हैं, नदियों के बेड में नहीं जाएं। लोग मौज मस्ती करने के लिए नदियों के बेड में जा रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, आपने 3-4 दिन पहले देखा भी होगा, इंसिडेंट हो चुके हैं, पूरी फैमिली चली गई। हमारा ये सलाह है कि लोग मौज मस्ती के मूड में, कि गर्मी से छुटकारा मिला है, तो नदियों के बेड में आपको नहीं जाए। ये एक तरह से वार्निंग है, क्लियर कट वार्निंग है। और इसके साथ भी कमजोर स्ट्रक्चर से वो दूर रहें, क्योंकि आपको जमीन के धंसने की भी संभावना है। और कहीं आपको सपोज करिए टूर का प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, इसका टूर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पहले हमारी वार्निंग को देख लें एक बार, कहीं हेवी रेनफॉल या हिल एरिया वगैरह में जो है वो थोड़ा ध्यान से। हाँ, कहीं इसका तो चांसेस नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइडिंग का, हाँ इसके भी चांसेस आपको बन सकते हैं। और उससे भी आपको अभी ज्यादा जरूरी क्या है, इस मानसून सीजन में खासकर वाटर बॉल डिजीज बहुत आपको ज्यादा फैलने वाले हैं, डायरिया हो गया, दस्त हो गया, आपको हैजा हो गया, ये आपको बहुत ज्यादा फैलने वाले हैं। और ये सब वाटर बॉल डिजीज है, इसका सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन है, आप अच्छा पानी पिए और अच्छे पानी का ही उपयोग करें और अपने आप को स्वच्छ रखें, बस यही इसका सोल्यूशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर ने बड़ा ही पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की, और लोगों को बार बार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। मकसद यही है कि जिस तरह से मॉनसून है, जिस तरह से हैवी रेनफॉल की जो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि नदी नाले के पास ना जाएं, कोई कमजोर स्ट्रक्चर के पास ना जाएं,
हिल एरिया में अगर घूमने जा रहे हैं तो एक बार एडवाइजरी जरूर जो है वो फॉलो करें। कई चीजें हैं क्योंकि पिछली बार काफी नुकसान हुआ, किस तरह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ और जानी नुकसान भी पिछले दिनों में देखा गया। हालांकि आने वाले दिनों में भी इस तरह के मौसम रहने वाला है। अगर पंजाब की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में काफी हैवी रेनफॉल, वेरी वेरी हैवी रेनफॉल की जो अलर्ट किया गया है। इसीलिए काफी चीजों को लेकर टाइम टू टाइम मौसम विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।